हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। तो पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी के बारे में बहुत शॉर्ट में पढ़ाया था, तो कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हुई होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि लगभग लगभग आपको समझ में आया होगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जो इंग्लिश हम बताएंगे तो बहुत ही कम टाइम में सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, बस बताते चलेंगे, आप लोग उस चीज़ को सुनते चलिएगा। और वही चीज़ लगभग लगभग मान के चलिए कि सेम उसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा आपका, ठीक है? तो जो एकेडमिक में आपके क्वेश्चन पेपर चलते हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछता है, क्योंकि लगभग लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे नाउन क्या होता है? नाउन तो हमने बताया है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। मीन नाउन क्या है? नाउन जैसे कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, ठीक है? मीन इस वर्ड में अगर कोई भी चीज है, अगर इस वर्ड में कहीं पे भी कोई चीज है तो वो नाउन है। इस चीज को आप लोग समझिएगा, इस वर्ड में कहीं पे भी किसी भी जगह पे देख लीजिए आप, एवरीथिंग एवरीवेयर कहीं पे भी आप देख लीजिए वो नाउन है। हम भी नाउन है, बोर्ड भी नाउन है, बाइक भी नाउन है, मोबाइल भी नाउन है, किसी को भी आप ले लीजिए, वो सारे नाउन है। अगर नाउन का एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है तो किसी को भी लिख सकते हैं, हमारा नाम, अपना नाम, बोर्ड, मोबाइल, बाइक, बस, ट्रक, नदी, कार, सब कुछ आप नाउन लिख सकते हैं, जो कुछ भी। हमने बताया का एवरीथिंग इज देयर, कहीं पे भी कुछ भी है, किसी का नाम है, सब कुछ नाउन। डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, ठीक है? अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो को धीरे धीरे रोक करके जो भी हम बोल रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिर व्हाट इज द प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, सॉरी ये नाउन का है, प्रोनाउन की बात करते हैं। अ प्रोनाउन इज द वर्ड यूज इन प्लेस आर नाउन। जैसे प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ध्यान से समझिएगा, अ नाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। मीन क्या कह रहा है? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वे शब्द होते हैं, वे शब्द या वे वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। जैसे हम सेंटेंस में बोले कि राम, जैसे इंग्लिश में नहीं, हम हिंदी में समझा रहे हैं, आप लोग जल्दी से समझिएगा कि राम कल स्कूल आया था, राम ने कल हिंदी पढ़ी थी, राम ने कल खाना खाया था, राम उसके बाद हाफ टाइम के बाद मैथ पढ़ी थी, राम उसके बाद घर को चला गया। ये थोड़ा सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है और बार ही बार राम रिपीट हो रहा है। अगर इस तरीके से हम बोले राम कल स्कूल आया था, उसने कल खाना खाया था, उसने हाफ टाइम के बाद मैथ पढ़ी और उसके बाद वह घर चला गया, ये हो गया एक सिंपल तरीका और सही तरीका। तो राम की जगह पर उसने उस वह जो हमने भी यूज किया है, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा ही सी ईट दे, ETC, ठीक। मीन हमने यूज किया वह, वे, दे, यह, ये, वे, जो कुछ भी आता है, मीन ही सी ईट दे, ठीक है, जो कुछ भी आप नोट लिखना चाहिए, ठीक है, मीन वो नाउन की जगह पे आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो नाउन की जगह वर्ड यूज किए जाते हैं, अभी हमने बताया कि राम को हमने कई बार कहा, तो वहां पे आप राम के बजाय वह, उसने, उसको, ये सारी चीज लिख सकते हो। तो वहीं पे ही राम की जगह ही, हर जगह ही लिखते ही आप जाइएगा, जैसे ही राम की जगह ही केवल ही लिखते जाइएगा, ठीक है? तो अगर डेफिनेशन पूछता है तो प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एग्जांपल ही सी इट दे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं।
चलिए थोड़ा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट साथ हमने पढ़ाया है, इसको रहने दीजिए, काफी लंबा खिस्सा हुआ चला जाएगा। कुछ चीजें हम ओरल आपको समझा रहे हैं,